press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. 20 साल उम्र है और अभी वर्किंग में है, मगर बहुत सालों से ग्रसित है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन. प्रीमैच्योर इजेकुलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज युवा पीढ़ी में बढ़ती जा रही है. आज देखें मैरिड को या अनमैरिड, आज बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो शादीशुदा नहीं है, वो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है. इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेस, बैड इफेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, ऐसे बहुत सारे अनेकों कारण, डायबिटीज, मेलाइटस. अगर मैं बात करूं प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की, तो मेरे पास जो रिसर्च स्टडी है कि प्रीमैच्योर इजेकुलेशन इज ए टर्म, ये एक ऐसी टर्म है, कुछ लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है. लोग बोलते हैं सर ये है क्या, मगर मैं आज अगर आप जैसे हम जो रिसर्च कर रहे हैं, आज हम रेगुलर दिन प्रतिदिन इसके बारे में और डीपली नॉलेज लोगों को देते जा रहे हैं, क्योंकि आज क्या हो रहा है लोगों में अज्ञानता है. तो कुछ लोग सोचते हैं हस्तमैथुन की वजह से प्रीमैच्योर इजेकुलेशन रहता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, गलतफहमी है. कोई भी चीज आप ज्यादा करोगे मात्रा से तो उसकी दिक्कत आपको महसूस होगी. जैसे प्रीमैच्योर इजेकुलेशन का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड इमिशन ऑकरिंग बिफोर और शॉर्टली आफ्टर द सेक्सुअल पेनिट्रेशन. जो मैरिड लोग होते हैं, शादीशुदा लोग, जब वो संभोग करते हैं अपनी वाइफ के साथ, तो एक मिनट के अंदर या दो मिनट के अंदर अगर वीर का नाश, वीर निकल जाता है, इमिशन हो जाता है, वीर निकल जाता है, उसको बोलेंगे हम प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, है ना, इसको बोलते हैं शीघ्र पतन. मगर अगर अगर अनमैरिड इंसान नहीं है, अनमैरिड है, तो उसको स्वप्न दोष की दिक्कत, नसों में ढीलापन, कमजोरी महसूस होना, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है. और ये बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी 20 से 30 साल की उम्र में लोगों को मुझे देखने में मिल रही है. पहले के जमाने में 30-40 साल के बाद ये प्रॉब्लम आती थी. अगर मैं बोलूं तो ये कैसे पता चलता है कि ये शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं शादी के बाद हम जब संभोग करते हैं, एक मिनट के अंदर हमारा वीर नाश हो जाता है, वीर निकल जाता है, संभोग नहीं कर पाते, कड़कपन नहीं रहता, बरकरार नहीं रहता कड़कपन, तो वीर निकल जाता है. अगर मैं कारण देखूं तो सबसे मेन कारण होता है एंजाइटी, रिलेशनशिप, यानी मतलब हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या आपके अंदर कोई तनाव हो, चिंता हो, अनिद्रा का कारण हो, बहुत सारे कारण है. पेट साफ नहीं होना, कब्जियत भी एक कारण पाया गया है. अगर पेट में गर्माहट होगी तो वीर जल्दी निकल जाएगा. तो ये सब हमें कारण दूर करने हैं. बहुत सारे कारण है, बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल कॉजेज भी हैं. अगर मैं होम्योपैथिक की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में आज मॉडर्न होम्योपैथिक एक चमत्कारिक रूप दे रही है. अगर मैं हजारों केसेस की बात करूं जिन्होंने एलोपैथिक भी ली, आपने भी ली थी अंग्रेजी दवाइयां, कुछ ली थी अंग्रेजी दवाइयां, पीपल्स हॉस्पिटल में अंग्रेजी दवाइयां लेकर आए, सिलडेनाफिल, टेडेफिल, अब तो वर्डेनाफिल भी आ गई है, मगर सभी दवाइयां फेल है, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, मगर जब तक दवाई लेंगे तब तक फायदा है, जैसी दवाई छोड़ देंगे फायदे. तो सर इन्होंने जब दवाई ली तो इनको कोई फायदा नहीं लगा, उसके बाद ये होम्योपैथिक में गए, मेरी जूनियर को दिखाया, उस जूनियर डॉक्टर ने भी बहुत सारे डाइल्यूशंस दे दिए मिक्स करके, मगर उनको यही नहीं मालूम था कॉज क्या है, क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं पता कैसे चलेगा. जब मैंने इनका कारण देखे तो नसों में ढीलापन है, लिंग में टेढ़ापन है. जब नसों में ढीलापन होगा तो स्वाभाविक है लिंग में टेढ़ापन भी आ जाता है, नसों में ढीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कमजोरी फील होती है, एक लूज कॉन्फिडेंस फील होता है. साथ में हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है, जो टेस्टिस होती है उसमें स्वेलिंग है, पेन भी है ना, स्वेलिंग भी है. तो ये जो एक सब प्रॉब्लम मैं देख रहा था, मैं चाह रहा हूँ कि ये जड़ से ठीक हो, पर जड़ से ठीक होने के लिए आपको 3 महीने बेटा लेना पड़ेगी दवाई, है ना. इसमें बहुत अच्छी अच्छी मैजिकल दवाइयां हैं. अगर मैं बात करूं प्रीमैच्योर इजेकुलेशन की, तो सबसे मैजिकल दवाई होती है चाइना ऑफिसनेलिस, जो कि आपके अंदरूनी कमजोरी को दूर करती है. जब तक अंदर से ताकत नहीं आएगी, आप बाहर से कितनी भी दवाइयां ले लो आपको फायदा नहीं लगेगा, करेक्ट. सेकंड जो दवाई हम देते हैं प्रीमैच्योर इजेकुलेशन के लिए, मैजिकल मेडिसिन जो हम बोलना चाहते हैं कि सबसे बेस्ट काम करती है, वो होती है कालीब्रोम. कालीब्रोम जिसमें मस्से भी हो जाते हैं, मुहासे भी हो जाते हैं, आपको एक एडोलोसेंस एज बोलते हैं, 18 से लेकर 20 साल एक युवावस्था, जिसमें ऑयली स्किन होती है पेशेंट की, पिंपल्स भी हो जाते हैं, ये सभी दिक्कतें जब हम चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि ये सब प्रॉब्लम आज ठीक नहीं हो पा रही है, तो कालीब्रोम इज द बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन. थर्ड मेडिसिन इज चाइना. चाइना ऑफिस नेलिस में भी बहुत अच्छे सिम्टम है, एग्नस कैक्टस में बहुत अच्छे सिम्टम है, और साथ साथ आज मैं बात करूं तो बहुत अच्छे मैजिकल मेडिसिन है अश्वगंधा. अश्वगंधा नाम सुना है आपने, है ना, अश्वगंधा हो गया, एसिड फॉज हो गया. एसिड फॉज ये क्या, फॉस्फोरिक एसिड हमारे शरीर की कमजोरी को दूर कर देता है, समझ रहे मेरी बात. तो ये सब मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे मेरे मेडिकल 12 मदर टिंचर मिला के, अगर मैं बात करूँ न्यूफर भी है एक मदर टिंचर, और म्यूरा प्यूमा तो बहुत कम कंपनियां बनाती है, मैंने वो भी ऐड करा है इसमें. साथ में कैलेडियम, जो कि आपके टॉनिक की तरह काम करेगा, कैलेडियम आपको सेक्सुअल पावर के लिए भी अच्छा रहता है. तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम टॉप ग्रेड मेडिसिन में देखते हैं. एग्नस कैक्टस एक बहुत अच्छी दवाई है, बेराइटा कार्ब अच्छी, आपको गले में टॉन्सिल्स हुए थे, गले में गर्ल्स हुआ टाइप का,
नहीं, देखिए बहुत सारे सिम्टम्स के हिसाब से होम्योपैथिक में दवाई चेंज हो जाती है। अगर मैं बात करूं एसिड फॉज, इनके लिए बहुत अच्छी दवाई है प्री मैच्योर इजेकुलेशन, साथ में इनको हाइड्रोसिल भी है, इसलिए मैं बेटा हाइड्रोसिल समझते हैं ना, मैंने आपको बताया, इसलिए रोडोडेंड्रोन भी दे रहा हूँ। रोडोडेंड्रोन के साथ कुछ दवाइयां मैं आपको दे रहा हूँ डाइल्यूशन फॉर्म में, कुछ दवाइयां दे रहा हूँ मदर टेंचर में। मदर टेंचर फास्ट एक्शन है मगर डाइल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काम करेगा। आप उनको जल्दी भी चाहिए रिजल्ट और जड़ से भी चाहिए, करेक्ट। तो मैं आपको टेबलेट फॉर्म में भी दवाइयां दे रहा हूँ, मैं आपको लिक्विड फॉर्म में। नक्सोमिका दवाई एक मेजिकल दवाई आई है इनके लक्षण के हिसाब से, क्योंकि नक्सोमिका में कॉन्स्टिपेशन भी है, आपको कब्जियत भी रहती है, पेट भी साफ नहीं रहता, गैस भी बनती है। ये सभी दवाइयां हम लोग 0/1 and 0/3 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, कुछ दवाइयां बैक पोटेंसी में दे रहे हैं, कुछ दवाइयां मदर टेंचर फॉर्म। अगर मैं बात करूं एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी इंडिया में इन्वेंट हुआ है ब्रीफा एक्स, बहुत अच्छे, थोड़ा कॉस्टली है मगर रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। 5 ml मॉर्निंग में, 5 ml नाइट में, ये 14th day से देते हैं, 1st to 14th day हम इसको पूरा 10 ml भी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। कुछ मैं मसाज के लिए विगोरा ऑयल देता हूँ, जो कि लिंग की चमड़ी को पीछे करके मसाज भी कर सकते हैं। देखिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलग चीज है मगर सबसे ज्यादा फायदा होता है इंटरनल, जब हम अंदर से दवाई लेंगे। तो ये सभी दवाइयां विदाउट साइड इफेक्ट है, सिरप फॉर्म में वाइटेजिन देते हैं, सिरप के फॉर्म में 5-5 ml 3 बार, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर मैं बात करूं टेबलेट फॉर्म में तो बहुत अच्छे टैबलेट्स भी आने लगे हैं बायोकेमिक सप्लीमेंट के मिक्सचर में। तो हम जैसे इसकी बात करें तो अगर आज टैबलेट की बात करें तो बीएल कंपनी के बहुत अच्छे हैं, सेक्शन बी टैबलेट है, वो भी अच्छे रिजल्ट उसके मिले हैं मुझे। और थंडर एम टैबलेट है भार्गव कंपनी का, तो वो एक सप्लीमेंट के रूप में, जैसे दूध पीते हैं तो कैल्शियम मिलता है, वैसे वो टैबलेट दूंगा तो उसमें आपको अंदरूनी ताकत मिलेगी। तो कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जिससे आपको आदत पड़ जाए, कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपको जिसका आदि होने के बाद आपको मजबूर हो जाना पड़े कि वो दवाई लेनी है। ये दवाई लेने के बाद हाइड्रोसिल और चर्म रोग भी बताया इन्होंने, थोड़ा सा हल्का सा एक्जिमा भी है ग्रोइन रीजन पर, तो उसके लिए बहुत मेजिकल फॉर्मूले होते हैं। सारसा सिरप हम लोग देते हैं, ब्लड प्यूरीफायर BC No. 20 देते हैं जिसमें बायोकेमिक है, तो वो एक सप्लीमेंट का काम करती है, सॉल्ट होता है बायोकेमिक, बहुत सारे सॉल्ट से मिलकर बनती है वो, तो अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कम से कम दवाइयों में मैं कोशिश करता हूं कि आपके पूरे ओवरऑल सिम्टम ठीक हो जाए। रिसर्च की बात करें तो हजारों केस सेक्सुअल केसेस आते रहते हैं मेरे पास, इसलिए आज सुलेखा में 10 में से 10 रेटिंग है मेरी, और इसे केस रिसर्च में भेजने का कारण ये रहता है कि आपको रिजल्ट और अच्छे मिले, ठीक है ना। मेरी शुभकामनाएं शाहरुख जी आपके साथ है, अगली बार जो भी मेडिसिन अपडेट होती है मैं कोरियर में रखवा दूंगा, या फिर आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कैसा लगा आपको? ठीक है, टेक केयर, शुभकामनाएं।